द क्वेश्चन इज इफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू ए इन टू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ टेंजन टी बाई टू देन फाइन डी टू वाई अपॉन डी एक्स को राइट तो हमें ये पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स है साइन टी और वाई है हमारे पास ए कॉस टी प्लस लॉग ऑफ टेंजन टी बाय टू राइट right? हमें आ, हमें फाइंड करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ठीक है तो डीवाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना होगा हमें अब x फंक्शन t में है y फंक्शन भी t में है तो डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करेंगे यहाँ से तो डेरिवेटिव करेंगे इसका साइन t का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास cos t राइट right? और यहाँ से डी वाई बाई डी टी हम फाइंड करते हैं ए बाहर कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा cos t का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन टी प्लस लॉग में डेरिवेटिव क्या होता है पहले वन अपॉन टेंजेंट टी बाई टू अब टेंजेंट टी बाई टू का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू एंड देन जो एंगल है टी बाई टू उसका डेरिवेटिव करेंगे दैट इज वन बाई टू ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा हमें सो डी बाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई माइनस ऑफ साइन टी प्लस यहाँ पर हम सीकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉ स्क्वायर टी बाई टू टेंशन टी बाई टू को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस्ट तो कॉस टी अपॉन टू अपॉन साइन टी अपॉन टू एंड वन बाई टू यहाँ कॉस्टी से कॉस्टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में होगा वन अपॉन टू साइन टी बाई टू कॉस्ट टी बाई टू तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला साइन टू ए का राइट तो यहाँ से फॉर्मूला क्लोज कर देंगे हम माइनस ऑफ साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी एल सी हम लेंगे तो एल सी आएगा साइन टी तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन साइन टी वन माइनस साइंस स्क्वायर होता है हमारे पास कॉ स्क्वायर सो ए स्क्वायर टी अपॉन साइन टी राइट तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई डी वाई बाई डी टी की सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी है हमारे पास ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी डिवाइडिड बाई डी एक्स बाई डी टी दैट इज वन अपॉन ए कास टी तो यहाँ एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा ए e से ए e भी कैंसिल आउट हो गया cos बाय साइन कॉट कॉट टी जो है हमारे पास डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स नाउ वी हैव टू फाइंड द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब क्या हुआ डेरिवेटिव करेंगे अब डेरिवेटिव जो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव वो है कॉट टी यानी कि टी में है ये तो कॉट टी का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ कॉ सेकेंड स्क्वायर टी अब हमें डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और फंक्शन था टी में तो क्या करना होगा टी का डेरिवेटिव भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो डी टी अपॉन डी एक्स टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेके आएंगे देखो डी एक्स बाई डी टी तो है ना हमारे पास डी एक्स वाई डी टी तो हमें इसी का ही राशि प्रकूल यहाँ पुट करना है राइट माइनस ऑफ कॉसिकेंड स्क्वायर टी यहाँ इसका राशि प्रकोल हो जाएगा वन अपॉन ए कॉस टी तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा माइनस वन अपॉन ए कॉस टी कॉसिकंड स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर टी राइट तो ये हमारा आंसर आएगा इसमें थैंक यू